नमस्कार, स्वागत है चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और एक और माइंड मैप सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किसका, तो ये एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ पटना कलाम पेंटिंग का, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा ब्रीफिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ पटना कलाम पेंटिंग। तो इसका ब्रीफिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो पटना कलाम पेंटिंग जो है क्या है कि फ्लोरिश ड्यूरिंग द 18 to 20 सेंचुरी, यहाँ मेंशन करेंगे। प्रिंसिपल सेंटर इसका कहाँ था? पटना, दानापुर, आरा, सारा कहाँ पर है? सारा कुछ बिहार में है, तो यहाँ हम लोग ये मेंशन करेंगे। पटना कलम जो है वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग बना था। पेंटर सेटल्ड इन एरिया ऑफ दीवान मोहल्ला, लूडो कतरा, मछराटा, ये सब पटना का कुछ एरिया है जहाँ पर वो लोग रहते। फेमस पेंटर का जिक्र जरूर करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रहता है, जैसे सेवक राम 1870 से 1838, हुलास लाल, जयराम दास, फकीर चंद, झुमक लाल, नित्यानंद लाल, शिव लाल, ये इम्पोर्टेंट, महादेव लाल, श्याम जी बिहारी लाल, और एक्सेट्रा बहुत है, जैसे शिव जी, शिव दयाल जी करके उनका भी क्या है। ये अपना एक में कब रीच किया था? 1850 से 1880 में। और टू प्रिंसिपल और मोस्ट रिप्यूटेड आर्टिस्ट जैसे शिव लाल और शिव दयाल जी, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस किए इस आर्ट में। आपको क्या कहता है कि इंडिया एंड अब्रोड भी इसका खूब सारा पेंटिंग लिखा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे इंडिया ने अब्रॉड। एमंग द लास्ट पेंटर ऑफ पटना कलाम वाज ईश्वरी प्रसाद वर्मा, राधा मोहन बाबू, ये लोग भी कोई अटेम्प्ट ना छोड़े स्कूल को जिंदा रखने में और लॉन्ग चलाने में। फीचर्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो 5-6 फीचर, जैसे मिनिएचर स्टाइल है, फ्लैट पर्सपेक्टिव है, ब्राइट कलर है, इंडिजिनस इन्फ्लुएंस है, और लिनियर डिटेलिंग है। ये सब कुछ पटना कलम का वो है। जैसे मिनिएचर्स और प्राइमरी पेंटिंग एंड दोज वेयर सिंपल, ल्यूसिड एंड प्रोपोर्शनेट, ठीक है? ये तो मिनिएचर वाला हो गया। इट हैज क्लियर इंप्रेशन, ये क्या आपको, ये हो गया इंडिजिनस इन्फ्लुएंस है, क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल पेंटिंग एंड पहाड़ी पेंटिंग, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इंडिया से ही इन्फ्लुएंस था। पेंटिंग्स वेयर कलर्ड विथ लाइट कलर्ड एंड स्केचेस, दे डू नॉट हैव एनी लैंडस्केप, मतलब कोई भी फोरग्राउंड या बैकग्राउंड नहीं होता था, डायरेक्ट आपको पेंटिंग ही रहता था। पेंटिंग वेयर पेंटेड स्ट्रेट विद ब्रशेस विदाउट यूजिंग पेंसिल टू डेलिनेट द कंटूर ऑफ पिक्चर, यानी इस तरह को क्या कहता था, कजली स्याही, इस तरह के कहता था कजली स्याही इस टेक्निक को। फीचर ऑफ द मतलब फिगर्स वेयर पेंटिंग, मतलब कैसा करेक्टर था, मतलब पॉइंटेड नोज, हैवी आईब्रोज, लीन एंड जॉइंट फेस, डीप सेट स्ट्रेट आईज और बिग मुस्टैचेस पिक्चर्स में दिखाया जाता था। अदर फीचर मतलब फिनिशिंग टच बहुत ही मार्वेलस था, जैसे फ्लाइंग बर्ड सबका एग्जाम्पल आपको अगर देखने को मिलेगा। कंक्लूजन में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, डिराइव फ्रॉम इंडिजिनियस आर्ट था, डेवलप ड्यूरिंग 18th से 20th सेंचुरी था, लेकिन कंपटीशन इसका कहाँ था? मधुबनी पेंटिंग से था, जिस हिसाब से उतना फॉर्चुनेट नहीं रहा ये, अपना फ्लोरिश ज्यादा नहीं दिन कर पाया और अब तो लोग भूलने भी लगे हैं, तो अनफॉर्चुनेट टू गेट इज शेयर एक्नोलेजमेंट डिस्पाइट बिंग ओल्डर एंड सुपीरियर, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हो गया। ये सब और भी पॉइंट आप लोग मेंशन करके ये सब आप लोग मेंशन कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। एक माइंड मैप सीरीज है तो यहाँ 20 पॉइंट वाइज।